जिले में बड़ी ठंड के कारण जिला कलेक्टर अजमेर अंशदीप ने जिले के सभी स्कूलों में 18 जनवरी तक के अवकाश की घोषणा की। घोषणा के तहत सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को स्कूल नहीं आना था, लेकिन सोमवार को जिला कलेक्टर के आदेशों को ठेंगा बताते हुए शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी अभिभावकों के मोबाइल पर 5 के बच्चों को भी स्कूल भेजने का मैसेज किया। प्रिंसिपल के मैसेज पर कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, लेकिन कई अभिभावकों ने इसका विरोध करते हुए इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने नर्सरी तथा एलकेजी के बच्चों की छुट्टी कर आदेशों की पालना की इतिश्री कर ली। उधर कड़ाके की ठंड के बीच छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने के इस कृत्य की शिकायत शहर के कई जागरूक लोगों ने उपखंड अधिकारी को की। इस पर उपखंड अधिकारी ने अपने कर्मचारी को स्कूल भेजकर वस्तु स्थिति की जानकारी मंगवाई और छोटे बच्चों के स्कूल में होने की जानकारी मिलने पर एसडीएम मृदुल सिंह ने स्कूल के प्रिंसिपल को फोन कर उसे हेतु फटकार लगाई। इसके बाद सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन बैकफुट पर आया और सभी अभिभावकों को एक बार फिर मैसेज कर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्कूल से घर ले जाने की बात कही। जानकारी मिली है कि उपखंड अधिकारी ने स्कूल प्रशासन के इस कृत्य की जानकारी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी है। इस संबंध में जेएसकाई न्यूज चैनल ने सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन तथा प्रिंसिपल से बातचीत की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। इस दौरान 3 अलग अलग कर्मचारियों से बात हुई तो उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। इस संबंध में तीनों कर्मचारियों की ओर से अलग अलग बयान सामने आए। किसी ने इसकी जानकारी नहीं होने तथा किसी ने आदेश देरी से मिलने की बात कही। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्कूल प्रशासन के इस रवैये से शहर के कई लोगों में आक्रोश है। मालूम हो कि स्कूल प्रशासन का सरकारी आदेशों की अवमानना का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार सेंट पॉल स्कूल की ओर से जिला कलेक्टर सहित शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना के मामले सामने आ चुके हैं।